नमस्कार फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास है और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो 21,000 से अधिक पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। तो किस प्रकार से आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, और आपको पता होगा बिहार पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम एक तरह से बिहार दरोगा से भी टफ है। अगर आप इसके क्वेश्चन को लेवल के देखेंगे तो इसके कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिहार दरोगा में भी नहीं पूछे जाते। इसके अलावा बिहार पुलिस कांस्टेबल में बहुत ज्यादा सेटिंग चलता है। तो रियली अगर आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अगर आपको पढ़ के निकालना है तो आपको रियली में मेहनत करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से अभी से आप तैयारी कर सकते हैं और कौन से ऐसे बुक है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, तो कंप्लीट एक वीडियो होने वाला है। हालांकि मैं इसमें आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए और कहाँ पे आप गलतियां करते हैं जिसको आप लोग सुधार सकते हैं, और कौन से ऐसे टेस्ट सीरीज है जिसको आप लोग आना चाहिए, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर कौन से आपको लगाना चाहिए। हालांकि मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर के, 12 से 13 मिनट का है, तो अगर आप उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। पूरे डिटेल में मैंने बताया है कि क्या सिलेबस है, कहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और कौन से आपको बुक को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे आपके 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपके 2 घंटे का समय दिया जाता है। यहाँ पे टाइम किसी प्रकार से कोई इशू नहीं होता है। अगर हम सिलेबस की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे आपके 10 नंबर की हिंदी पूछे जाते हैं जिसमें जनरल हिंदी पूछा जाता है। उसके अलावा आपके 4-5 नंबर के इंग्लिश से प्रश्न रहते हैं। उसके अलावा 40 से 45 नंबर आपका साइंस का रहता है। उसके साथ ही 30 से 32 नंबर तक का आपका जीके के रहेगा, और उसके बाद आपका विविध रहता है, मैथ्स के कुछ प्रश्न रहते हैं, और अभी 2-3 प्रश्न आपके करेंट अफेयर के भी आ रहे हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस के सिलेबस के अच्छे तरीके से देखे होंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा, तो यहाँ पे 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पहला तो आपका हो जाता है साइंस। साइंस अगर आपके बिहार पुलिस में अगर आपको रियली में रिजल्ट देना है बिना सेटिंग का, तो आपको एक साइंस मेजर रोल निभाता है। 40 नंबर से 42 नंबर का आपका साइंस होता है, और साइंस ऐसा होता है फ्रेंड कि अगर आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी किया होगा, सबसे टफ साइंस जो आता है वो बिहार पुलिस में ही आता है। और ये साइंस कहाँ से आता है, तो ये साइंस पूरी तरह से 10th लेवल का से आता है। अगर आप कोई भी बुक पढ़ ले, कितना भी अगर आप कोई भी बुक पढ़ ले, जब तक आपको साइंस का बेसिक समझ नहीं आएगा ना, तब तक आप इसमें 1 नंबर भी स्कोर नहीं कर सकते। इसका साइंस बिल्कुल मतलब एक तरह से कहा जाए पूरी तरह से 10th लेवल का होता है। तो साइंस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके साथ ही हम लोग बात करेंगे साइंस आप डायरेक्ट टू 40 में मतलब 40-38 स्कोर कर सकते हैं, वो वाला बुक कौन सा है। उसके साथ ही अगर बात करें तो अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आपका हिंदी आता है। हिंदी एक ऐसा एरिया है जहां पे आप अगर 10 नंबर पूछ रहा है तो आप 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो हिंदी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके सिवाय अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश यहाँ पे 3-4 नंबर का पूछा जाता है, और यहाँ पे इंग्लिश बहुत ही टफ नहीं होते हैं, जनरल लेवल की इंग्लिश होते हैं जिसमें 10 से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इज डेट कहाँ लगाना है, इस तरह के आपके इंग्लिश हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे जीके की बात करें तो जीके ऐसा होता है फ्रेंड कि अगर आप कितना भी पढ़ेंगे, अगर 30 नंबर का जीके है तो मैक्सिमम आप 25 स्कोर करेंगे, अगर आप थोड़ा कम भी पढ़ते हैं तो आप 20 स्कोर करेंगे। यानी कि जीके एक ऐसा एरिया है, ना तो आप इसमें बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और ना आपका स्कोर बहुत ज्यादा डाउन होगा, तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो अगला आपका टॉपिक आ जाता है वो आपका आ जाता है मैथ्स का। तो मैथ एक स्कोरिंग एरिया है, यहाँ से आप फुल स्कोर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है वो साइंस पे ध्यान देना है, हिंदी पे ध्यान देना है, उसके साथ ही आपको इंग्लिश के थोड़े बहुत बेसिक पे ध्यान देना है, उसके साथ ही आपको मैथ्स पे ध्यान देना है। तो यहाँ से आपका पूरा ऑलमोस्ट 80 नंबर का आपका हो जाएगा, और अगर आप जीके में थोड़ा बहुत कम भी स्कोर करते हैं तो यहाँ से कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड, इन सभी चीजों के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, मैंने आपको सिलेबस बता दिया। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्या कि इन सभी के लिए आपको तैयारी किस प्रकार से करना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, और बहुत सारे मैं स्टूडेंट को ये देखता हूँ कि वे गलती करते हैं, बहुत सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट आते रहते हैं कि सर मुझे एक ऐसा बुक बता दीजिए जिससे मैं आराम से इस एग्जाम को निकाल लूं, कोई ऐसा बुक बता दीजिए जिससे मैं आराम से बिहार पुलिस बन जाऊं। तो ऐसा अगर होता फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक एक वीडियो पे 1-1 लाख व्यूज आते हैं, तो वैसे में 1 लाख लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। बुक इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, इससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप उस बुक को पढ़ते कैसे हैं। सभी लोगों को यह पता है कि मुझे इस बुक को पढ़ना है, लेकिन आप उस बुक को कैसे पढ़ते हैं इस पे आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। तो जब भी आप एक बुक को टारगेट करें, कोशिश करें कि मैं उस बुक को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ूंगा, और ये समझे कि अगर मैं बिहार पुलिस के भी एग्जाम को नहीं निकाल सकता तो ये मेरी पढ़ाई किस काम की है। साइंस जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, 10th लेवल का साइंस, आप चाहे आप 10th का NCERT पढ़े या कोई भी बुक पढ़े, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है उसको आप लोगों को विजिट कर लीजिएगा। तो साइंस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, और जितना अगर 4 से 5 घंटे अगर आप अभी से पढ़ देते हैं तो 100% मैं गारंटी देता हूँ बिना सेटिंग के
आप इस बिहार पुलिस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रैक्टिस है। बहुत सारे मैं स्टूडेंट को ये देखता हूँ, वो पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं फ्रेंड, तो प्रैक्टिस एक मेजर रोल निभाता है। और यहाँ पे मैं दो आपको प्रैक्टिस सेट बताना चाहता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो बुक है, पहला तो आप देखिए किरण पब्लिकेशन का, ये प्रीवियस ईयर है, जिसमें आपको बिहार पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए, चाहे बिहार पुलिस में आपका कांस्टेबल में फायरमैन का हुआ हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, जितना भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है वो सारे आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आपको रियल वाला यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इस बुक की जो मेन खासियत है फ्रेंड कि यहाँ पे जो सोल्यूशन इसका दिया हुआ है ना वो बहुत ही शानदार है। इससे पहले जो हिंदी पूछ रहा था, हिंदी में मैं देख रहा था कि लेखक के सबका नाम भी ऐड करने लगा, जो एक तरह से कहा जाए तो बिहार पुलिस के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आपको यहाँ से ये भी पता चलेगा कि आखिर सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है और मुझे किस प्रकार से और किस टॉपिक पे मुझे विशेष ध्यान देना। तो इस बुक को आपको पूरा एकदम रट जाना है और हर एक ऑप्शन को आप लोग पूरी तरह अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा। इसके साथ ही इसके लास्ट में जो एक एक्सप्लेन किया हुआ है उसको आप लोग जरूर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ से आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, पहले आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, उसके साथ ही आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट की अगर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे मैं इस बुक को देख रहा था, साइंस इसका बहुत ही शानदार है और बिल्कुल जिस तरह से मैं देखता हूँ यूनिक, ये सब का जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज होते हैं जहां पे क्या किया जाता है फ्रेंड, कहीं से भी क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया जाता है। तो एक तरह से कहा जाए तो इसका साइंस मुझे बहुत पसंद आया। इसके साथ ही क्वेश्चन का क्वालिटी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इस टेस्ट सीरीज को आप लोग बाय कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें इरर भी नहीं है। इसके साथ ही आपको कैसे इसको लगाना है मैं एक बार बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक है कि सार्क का अस्थाई सदस्य, जैसे मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो जब भी आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सेट में जब भी आप लगाइए तो उससे कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए आज आपने कोई चीज गलती की तो वो क्वेश्चन आपकी आगे जाकर के गलती नहीं होना चाहिए। और इसके लिए क्या करना है, सेट लगाने के बाद आपको ये ढूंढना है कि आज मैंने सेट में कौन सी ऐसी गलतियां की जो मैं आज सुधार सकता था। इसके साथ ही इसका जो लास्ट में आपको सोल्यूशन दिया हुआ रहता है उसको जब आप पढ़ेंगे ना फ्रेंड, तो जो आपका यहाँ से गलती हुआ है और जो चीज आप सीख सकते थे इस सेट से वो चीज आपका मिलेगा। तो सेट लगाने के साथ साथ सेट के सोल्यूशन पे भी समय दीजिए और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड उतना ही ज्यादा आपके एग्जाम में प्रेशर कम बनता है। और वही क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में रहते हैं वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी बहुत सारे 30-40% आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये मैंने बुक था और बाकी जो मैंने वीडियो बताया है वहां से जाकर के आप बुक का पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक आपके मेडिकल तक यहाँ पे सारे अपडेट आपको दिए जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।